वीजा बाय द वे लोगों के आना शुरू हो चुके हैं और आप नॉट इम्पोर्टेंट एवरी टाइम दैट दे विल टेक योर इंटरव्यू डिपेंड ऑन फाइल टू फाइल. कम से कम ये नहीं होगा कि आप कहीं के भी नहीं रहे. एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी से नहीं हो पाया तो दूसरी यूनिवर्सिटी विल बी रेडी फॉर यू. वीजा कंडीशन इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में वीजा का क्या हल हो सकता है? Hi guys, I hello and welcome back to another video. This is your Caps Lock and today we are back with another Q&A session. Okay, so आज की वीडियो में Q&A session शुरू करते हैं एंड Q&A session का बेसिक रूल बता देता हूँ. सो इफ यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ Q&A session, इफ यू वॉन्ट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन थ्रू मी, सो डू कॉमेंट योर क्वेश्चन इन द लेटेस्ट Q&A session वीडियो एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट Q&A session वीडियो. But you need to write the questions in the latest Q&A session video. अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपके questions पर जवाब दूँ तो सबसे latest जो Q&A session होगा उस पर जाइए, उस पर comments करिए, मैं अगले वाले Q&A session में वही questions पढ़ूंगा. Okay? And if you want the answers in like broad perspective and elaborative as a written stuff, so DM me on Instagram. My Instagram link is in description. Instagram पे DM करिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लिखित में Q&A session के जवाब दूँ. Okay? So शुरू करते हैं वीडियो को. What I'll do is सबसे ज़्यादा लेटेस्ट Q&A session पे मैं जाऊँगा, मैं उसे स्क्रॉल डाउन करूँगा और आपके कमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे. Q&A session जो सबसे लेटेस्ट हमने बनाया था वो था 15th, सो ये है 16th. सबसे लेटेस्ट कमेंट पे जाना है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट्स की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हम बेस्ट कमेंट्स भी पढ़ना शुरू करेंगे और ऐसा होगा कि आपका कमेंट वैसा ही सिमिलर है जो पहले किसी ने लिखा हुआ है. तो जस्ट लाइक दैट कमेंट इररेस्पेक्टिव कि भाई आप भी वही सेम कमेंट लिखो, फिर एक इशू क्रिएट हो, पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए. सो या शुरू करते हैं. पहला, गॉट माय वीजा 28 अक्टूबर, गुड बाय गुड. अब वीजा बाय द वे लोगों के आना शुरू हो चुके हैं और आप चाहते हैं वीजा सिनेरियो के ऊपर वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो. हेलो भाई, मैं यूनी ऑफ न्यूकासल में बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है. वीजा को 15 दिन हो गए हैं. मैं कितना टाइम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वीजा के रिवर्ट के लिए? ये यूनिवर्सिटी और सिटी कैसी है? यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल अच्छी है और सिटी भी, भाई सिटी वगैरह सब सही होती है. जस्ट ये है कि आपकी नीड्स पूरी होनी चाहिए. ये सोचना भूल जाओ कि क्या चीज़ कैसी है क्या नहीं. एंड ऑल्सो वीज़ा का वेट करो. कैंडिडेट इनटेक में आने वाले लोग कितना टाइम पहले आना चाहिए, लाइक दिसंबर और जनवरी? भाई मेरे हिसाब से 1 महीना पहले आना चाहिए, बट स्टिल कुछ लोग पहले आ जाते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू एंड इट्स अप टू योर चॉइस कि आप कब आना चाहते हो. डिपेंड ऑन की वीजा कब आता है. हाउ मेनी डेज इट्स गोइंग टू टेक आफ्टर यू हैव अप्लाइड फॉर GTE? बिकॉज इट्स बीन मोर देन 2 वीक आई हैव सबमिटेड माय GTE बट नो एनी मेल और इंटरव्यू फ्रॉम यूनिवर्सिटी CDU. हाउ मेनी डेज आई हैव टू वेट? सो द थिंग इज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम दैट दे विल टेक योर इंटरव्यू, डिपेंड ऑन फाइल टू फाइल. सेकेंडली इफ दे नीड योर इंटरव्यू दे विल लेट यू नो, सो देयर इज नथिंग यू कैन डू, यू नीड टू और यू हैव टू वेट. सर, If I complete my BC and then apply for visa and I have NOPP complete found but I choose study loan, please suggest me if I can complete bachelor's then apply for job and go study for master's. Also computer science, so I have jobs in it. भाई आपने क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखा है, बट स्टिल मैं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो आप. देखो लोन ले लोगे, लोन लेने में कोई इशू नहीं है. हाँ, आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने भी आ सकते हो, बट गैप ईयर मत पढ़ने देना. ये एक मेरा मेन पॉइंट है. ओ भाई बहुत तगड़ी धूप से हो गई यार, धूप कम करो. ज़्यादा कम हो गई क्या? ओके सही है, कम से कम मेरी आंखें मुझे दिख रही हैं. मेरी आंखें दिखना जरूरी है. हाय ब्रदर, माय डीकन यूनिवर्सिटी GTE इंटरव्यू वाज कंडक्टेड 16 सितंबर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग देम ऑल द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दे आर पॉइंटिंग आउट सम इश्यूज इन द फाइनेंसेस ड्यू टू इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. दो आई हैव क्लेरिफाइड द इशू एंड आई हैव प्रोवाइडेड देम द डिटेल डॉक्यूमेंट्स, बट देयर इज स्टिल नो रिस्पांस फ्रॉम देयर साइड एंड इट हैज बीन अ व्हाइल. सो शुड आई वेट फॉर द रिस्पांस और स्टार्ट माय एप्लीकेशन विद लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी? द थिंग इज आप अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ भी स्टार्ट कर दो प्रोसेस, क्योंकि बाय चांस नहीं आया तो आपको एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए और बैकअप प्लान लेके चलोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए. कम से कम ये नहीं होगा कि आप कहीं के भी नहीं रहे. एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी से नहीं हो पाया तो दूसरी यूनिवर्सिटी विल बी रेडी फॉर यू. हेलो, माय इंटरव्यू हैज कम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा एंड आई एम नर्वस एंड प्लीज टेल मी सम पॉइंट्स दैट आई नीड टू कीप इन माइंड प्लीज. इंटरव्यू के लिए ब्रो, सो द थिंग इज यू नीड टू कीप द मेन पॉइंट्स इन योर माइंड दैट व्हाई डिड यू चूज द कोर्स, व्हाई डिड यू चूज दैट यूनिवर्सिटी, व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया. What's your financial background? What's your academic background? What's you? What do you do? And what's your family does? And what's your future goals? So ये सब questions होते हैं, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया. इन सबको याद करके रखना and relatable to your particular field of study. भाई ये जो visa chances वाले questions है ना, ये मैं Instagram पर reply करता हूँ क्योंकि बहुत बड़े questions होते हैं ये.
ये आप एक एक करके देने लगा तो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे। आई ब्रो पीस मेकर पॉडकास्ट ऑन कंस्ट्रक्शन एंड आई नो आई वांट टू बट द थिंग इज मिल नहीं रहा मुझे। एनीवन इन मोर वर्किंग इज इट पॉसिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया विद वन ईयर गैप आफ्टर 12th? इट्स पॉसिबल अनलेस यू एक्सप्लेन इट कि वो गैप ईयर क्यों था। बिग ब्रदर आई गॉट माय वीजा फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कासल, प्लीज टेल मी अबाउट द एरिया एंड कैंपस यू नीड। DM me on Instagram, मैं उस पर तुम्हें आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि जो आप जाना चाह रहे हो। आई टेल यू एलैबोरेटिवली। ब्रदर आई वॉन्टेड टू से दैट द स्टूडेंट कैन पे हिज फीस 10 lakh रुपीज पर सेमेस्टर इफ वी सी द करेंट मार्केट पे स्केल। वन मोर क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क, आई गॉट द कोर्स ऑन बैचलर ऑफ बिजनेस बट आई डोंट नो वॉट विल बी माई मेजर सब्जेक्ट्स, हाउ कैन आई गेट अबाउट ईदर इट विल ऑफशोर ऑन शोर। ब्रो मोस्टली सब्जेक्ट्स विल बी योर ऑन शोर, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप ऑन शोर ही हो, ऑफ शोर वाले कोर्सेज कुछ नहीं होते। अब जैसे अभी क्वेश्चन है 2023 में BCA पास आउट 69% PT स्कोर चांसेस है मेरा, 3 लाइन में मैं कैसे बता सकता हूँ आपके चांसेस है, हो सकता है आपकी बाकी चीज़ें खराब हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन का ना मैं आगे जाकर रिप्लाई देना बंद कर दूंगा क्योंकि मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का अगर आपके हैं और आपको जवाब चाहिए सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम आफ्टर फॉलोइंग। ब्रो साइबर सिक्योरिटी में वीडियो PR कैसे मिल सकती है, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दैट। भाई मैं सोच रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी पे पूरा हम एक पूरा पॉडकास्ट बनाए स्टूडेंट से PR लेने तक का, तो वी विल गेट इट सून। तो आई एम गोना अप्लाई फॉर 5 Intake 25 बाय नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली बिफोर 15 November फॉर मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिया। आई एम टू लेट ऑन टाइम, यू नॉट टू लेट बट इससे ज्यादा लेट मत करना, गो फॉर इट फर्स्ट। आई एम 24 एज, आई एम BA ग्रेजुएटेड एंड कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट स्टडी वीजा, वाई कैन यू नॉट? भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है, डिपेंड्स आपकी फाइल कैसी है, अप्लाई कर सकते हो आप। सर इन कंडीशन ऑफर लेटर आना है, आने में कितना टाइम लगता है मेरा? 17 अक्टूबर को अप्लाई किया था भाई, 1 से 2 महीने लग जाते हैं और वैसे भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सर, इसलिए। अनकंडीशनल ऑफर लेटर फॉर July 2025 मास्टर्स ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन फ्रॉम आरएमआईटी यूनिवर्सिटी, व्हेन टू पे ट्यूशन फीस बाय द लेटेस्ट टू सिक्योर सीट। दे विल गिव यू एन इनवॉइस और उसमें आपको ड्यू डेट भी दी जाएगी, तो आप उससे पहले पहले कहीं भी दे सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लेबोरेटरी साइंटिस्ट एंड PR स्कोप। लेबोरेटरी साइंस में मास्टर्स, ब्रो मेडिकल साइंस में इट्स अ गुड फील्ड, सो यू विल गेट योर जॉब आई वुड से इजीली कंपेरेटिव टू अदर्स कोर्सेज, एंड ऑल्सो थ्रू PR इफ आई टॉक इट्स समथिंग दैट यू नीड टू चेक विद द स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, बट इफ इट्स देयर यू विल गेट इट आई बिलीव। कैन वी शो फंड्स इन GPF अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट फंड? GPF क्या होता है? Elaborate your question and DM me on Instagram. Is Masters of Business Management a PR course? A PR course is only defined if it's something that's available in skill occupation list. So अगर आपका skill occupation list में course है तो वो PR list में होगा, मतलब course नहीं, I mean course के बाद जो job role निकलता है वो। ऐसा कोई scenario हो सकता है क्या कि Perth को regional area से हटा दिया future में? I don't think so. Perth still has a lot to do. Perth को इतनी जल्दी रीजनल एरिया से हटाने के लिए इनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वो इतनी जल्दी करने नहीं वाले, सो इट विल बी सम टाइम कि अभी वो रीजनल में ही रहेगा। एनी आइडिया अबाउट मास्टर्स ऑफ डिजाइन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एट RMIT यूनिवर्सिटी? आई एम लुकिंग फॉर 5 Intake। डिजाइन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वो नॉट मच बट आई लुक इनटू इट। DM मी ऑन इंस्टाग्राम। वेयर आर यू इन मेलबर्न? मेलबर्न में, मेलबर्न से ही हुआ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वीजा कंडीशन इन कमिंग ईयर्स? वीजा कंडीशन इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में वीजा का क्या हाल हो सकता है? इट विल बी ड्रास्टिकली चेंज एवरी ईयर, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाता है, कुछ ना कुछ एक लॉस से निकाल देते हैं लोग, तो उसकी वजह से एक वीज़ा चेंज तो आएगा ही आएगा, बट लेट्स सी। मैं ज़्यादा एक फ्यूचर पे बात नहीं करूँगा अभी। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन व्हाट टू पैक फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई विल। क्वेश्चन, आई एम 21 years old एंड गॉट माई वीजा इन 8 days। वाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से। I opted for masters in cyber security and as I already own a company in cyber security, so any suggestions for me, bhai? You own a company, bhai. So the thing is, you have experience, I believe. You probably have a business. So all the best suggestions. Main yehi hai, dhyan se apne padhai pe dhyan do. Acche raho, logo se acche se raho. And be humble. Be generous to people who do not know any knowledge related to the course that you are studying. If they're asking you questions, bata do. जैसे मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ हेल्प करने के लिए, आप भी करो, किसी ना किसी की हेल्प होगी। सो बस यही सजेशन है और कुछ नहीं है। और आओ अपना लाइफ जियो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, दोस्ती पे ध्यान दो, लोगों पे ध्यान दो और अपने पर सबसे ध्यान दो, हेल्थ सबसे पहले पर आती है बस। ब्रो व्हेन देयर इज सो डिले इन GS इंटरव्यू, गॉट माय कंडीशन ऑफ अ लेटर 26
August from University of Adelaide, but didn't know the interview yet. Did not get the interview yet. यार आपने थोड़ा सा हिला करके लिखा हुआ क्वेश्चन, बट स्टिल कोर्स बी एस सी नर्सिंग प्लस फुलफिलिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है भाई, इंटरव्यू जरूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, फाइल टू फाइल डिपेंड करता है, हो सकता है वो कुछ टाइम बाद ले लें, तो इसके लिए यू कैन ओनली वेट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. आई अप्लाई वीजा फाइल 28 अक्टूबर और मेरा फरवरी इनटेक है. मेरा कोर्स नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सीक्यू यूनिवर्सिटी से मेलबर्न. माई पेरेंट्स आई टी आर 13.86 लाख एंड मेरा पेरेंट्स का एग्रीकल्चर मिल्क बिजनेस शो किया है. मैंने एजुकेशन लोन ली है 41.20 लाख. कितना चांस है मेरा वीजा आने का? आई डोंट नो चांस भाई, कोई कुछ नहीं बता सकता. तुम्हारी फाइल अगर स्ट्रॉन्ग, यार एक छोटे से कमेंट में मैं पूरी की पूरी फाइल एसेस नहीं कर सकता, और मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं हूँ. हो सकता है तुम्हारा गैप ईयर हो सकता है तुम्हारे एकेडमिक्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, कुछ भी हो सकता है. सो आई डोंट नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एग्जैक्टली कुछ बोल दूँ वो ना हो तो यू विल फील रियली बैड, इसलिए मैं झूठी होप्स नहीं दे सकता. दीज आर द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए. अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप सुनना चाहते हो उसका जवाब, तो कमेंट कर दीजिए. अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं. दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ. मैं जिम के लिए निकलूँ. Like, share and subscribe. See you guys in the next video. And Instagram पर follow कर लीजिएगा.